महात्मा गांधी जी है, वो ट्रेन से जा रहे थे, टिकट होने के बावजूद भी उनको निकाल के फेंक दिया गया है ना। उसी प्रकार अभी केस की बात करिए। सर सुनना पड़ेगा ना सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। तो केस हाँ। केस से संबंधित सुनिए ना, केस से संबंधित है सर। आप जितनी बहस करना है आप करिए। वैसे भी मेरे इसमें सर कलेक्टर है, सब है, इन्होंने भी उठा के जबरदस्ती मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरे को करना था, तो मेरी प्रॉपर्टी आप क्यों लेंगे बताइए मेरे को। 576 में वही चल रहा है सर, आप उसको सुनिए, आप इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। DRT उठाया सर, सरफेसी गैंग मिलके इन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति को मेरा 45 लाख रुपए में बेचा, ऐसा होता है क्या सर? वैसी मेरे प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार की है, उसको आप बोलते मैं कहाँ जाऊँगा? आप मेरे प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं सर, लोक सेवक होके सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है पूरा, आप गंभीरता से इसको ले नहीं रहे सर। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को तो बेरोजगार कर दिया गया है। आप एक बार सुन चुके सर, 48 में आपने साइटेशन देने के लिए किया था, कहा था सर, मैंने बाद में साइटेशन भी दिया, ऐसी बात नहीं कि आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। बोल रहा हूँ कि अगर आप इसी दस्तावेज पे बहस करना चाहते हैं तो हम सुनेंगे, आदेश करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर सारे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप अपना पक्ष सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। कोर्ट को, न्यायालय को जो फाइल में उपलब्ध दस्तावेज है उसी पर निर्णय करना है। आपकी बहस सुनेंगे, दस्तावेज देखेंगे, आदेश करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, बहस करिए। सर, दैट इज पार्ट ऑफ द रिट पिटीशन, फर्स्ट ऑर्डर्स। बहस करिए। सर, जो पेज नंबर 1 में दिया हूँ सर, उसमें सीधा सीधा क्लियर है सर कि WPC 48, WPC 2686 और WPC 576, ये तीनों के एक साथ सुना गया था, क्योंकि विषय एक था सर, सब्जेक्ट एक था। इंटरिम रिलीफ कौन से केस में मिला था? इसमें मिला था सर, 48 में मिला था, लेकिन कहा के लिए तीनों एक साथ सुना जा रहा था, इस कारण सर इसमें कंबाइंड किया गया सर। ये जो पढ़िए लास्ट लाइन, पेज नंबर 1 का लास्ट लाइन पढ़िए, जिसमें अंतरिम आदेश है वो वही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा है वो सर? जिसमें नहीं है उसमें भी अंतरिम आदेश माना जाएगा, ऐसा आदेश नहीं है वो सर? जिस समय ये बहस हो रही थी सर, उस समय मैंने बोला था कि ये अंतरिम राहत कहा के लिए इसमें भी मांगी गई है। 576 में आपका 2 का डिसाइड कर रहे हैं, दोनों में है तो तीसरा में आप ये कीजिए, उसके बाद ही तो ये लिखा गया था। आपका है कि अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता के वकील ने छुपाया, ये बहस है पहला आपका? हाँ बिल्कुल सर, अंतरिम आदेश को छुपाया, उसका लिखने का मतलब क्या है सर, ये बताइए मेरे को, क्यों लिखेंगे उसमें? वो इस कोर्ट का आदेश नहीं है तो इसलिए ये कोर्ट उसमें टिप्पणी नहीं करेगी, जिस कोर्ट का आदेश है वहां पर आपको कार्रवाई ना सर। मैं तो वहां पर था ना उपस्थित, मैं तो उस केस को, अरे उस कोर्ट में बहस करिएगा, यहाँ पर आप जो बहस कर रहे हैं वो प्रश्न मत करिए, कोर्ट से प्रश्न मत करिए, आप अपनी बात रखिए। मैं मनसा वही बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे ऐसा बोला गया था, तब उनके द्वारा किया, क्योंकि इसमें भी पार्टी वही है सर, नायब तहसीलदार है, सारे लोग हैं 576 में भी। कोर्ट से प्रश्न नहीं करिए, आप अपनी बहस करिए, क्या क्या आपका कहना है। जी सर, ठीक है। इस कारण सर ये मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टे अभी भी जारी है, और दूसरा बात ये सर कि ये जो आदेश है जो रिन्यू पिटीशन 93 का, इसमें सर कॉलम नंबर 3 को देखेंगे सर तो इसमें सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जो आदेश है DRT का वो अपने नियमों का ही उल्लंघन किया है, और प्रतिकूल अगर कोई आदेश अगर नियम से अगर बाहर जाता है धारा का तो वो शून्य होता है। कौन सा दस्तावेज? ये इसी में आदेश में सर, आप 3 नंबर का पढ़िए सर। कौन सा आदेश में? ये रिन्यू पिटीशन में आपको दिया हूँ सर अभी कागज। हाँ, पेज नंबर पेज नंबर 2 है सर, और तीसरा नंबर का कालम है सर, पूरा तीसरा नंबर के कालम में इनके पूरा काला चिट्ठी है। कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर कर? डॉक्यूमेंट भी चाहिए सप्लाई, अभी दिया हूँ सर, अभी दिया हूँ मैं रिन्यू का सर, 4 पेजेस माय लॉर्ड। इसको उसमें क्या, उसको क्या देखेंगे नहीं उसमें? ये सर इसमें क्या है कि जो आदेश किया गया है सर वो तो इलीगल है सर। रिव्यू आपका निरस्त हुआ, आखिरी में लिखा है डिसमिस। ठीक है ना सर, तो इसमें फौजदारी मामला बन रहा है सर, आखिरी में लिखा है डिसमिस, तो उसका मेन आदेश कौन सा है जो आपके पक्ष में है, कैसे पढ़ेंगे उसको? नहीं, ये समीक्षा आदेश है, उसमें इसमें सीधा सीधा स्पष्ट है सर कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बात सही है, लेकिन ये समीक्षा आदेश है, इस कारण हम इसमें कुछ नहीं, इसमें मैं सर FIR दर्ज करने वाला हूँ, कहा के लिए इनके द्वारा जो किया गया काम है ये आपका IPC जो सेक्शन है सर 217, 218, 219 और 220, इसका सीधा सीधा उल्लंघन है सर। तो विधि के विरुद्ध अगर प्रतिकूल होकर अगर कोई आदेश पारित करता है तो हम कहाँ जाएंगे सर? ठीक है।
इस कारण भी इस आदेश का सर प्रतिपालन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मेरा कोई दोष नहीं है, आप 576 को बुला के देख लीजिए सर। ठीक है, जैसे महात्मा का मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ सर, जैसे महात्मा गांधी जी है, वो ट्रेन से जा रहे थे, टिकट होने के बावजूद भी उनको निकाल के फेंक दिया गया है ना, उसी प्रकार अभी केस की बात करिए। सर सुनना पड़ेगा ना सर, मैं तो बता रहा हूँ तो केस, हाँ। केस से संबंधित सुनिए ना, केस से संबंधित है सर। वैसे भी मेरे इसमें सर कलेक्टर है, सब है, इन्होंने भी उठा के जबरदस्ती मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरे को करना था, तो मेरी प्रॉपर्टी आप क्यों लेंगे बताइए मेरे को। 576 में वही चल रहा है सर, आप उसको सुनिए, आप इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। DRT उठाया सर, सरफेसी गैंग मिलके इन्होंने 5 करोड़ के संपत्ति को मेरा 45 लाख रुपये में बेचा, ऐसा होता है क्या सर? वैसी मेरे प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार की है, उसको आप बोलते मैं कहाँ जाऊँगा? आप मेरे प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं सर, लोक सेवक होके सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है पूरा, आप गंभीरता से इसको ले नहीं रहे सर, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को तो बेरोजगार कर दिया गया है। आप एक बार सुन चुके सर, 48 में आपने साइटेशन देने के लिए किया था, कहा था सर, मैंने बाद में साइटेशन भी दिया, ऐसी बात नहीं कि आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। मेरे को तो उठा के सड़क में फेंक दिया गया, मेरा कारण नहीं बताया जा रहा है, और सारे के सारे लोक सेवक इस कारण भ्रष्टाचारी है, इस कारण कोई इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। विधि के विरुद्ध अगर कोई दिया जाता है सर, आदेश दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक शून्य होता है, मैं साइटेशन दे देता हूँ सर। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप ये जो 576/2021 में कोई अलग से स्थगन आदेश मिला है कि आपको 576 में मतलब मैं दे दिया हूँ सर, जो उसी वही डॉक्यूमेंट है, हाँ वो है सर, और ये अभी जो दिया हूँ ये है सर, इसमें तो सीधा सीधा है सर। दूसरा ग्राउंड क्या है सर? और कोई ग्राउंड है, और कुछ बहस है कि हो गई आपकी बहस? मैं चाहता हूं सर कि इसको 576 के साथ ऐड करके सुना जाए सर, और अंतरिम राहत दिया जाए, और ये जो कार्रवाई हो रही सर उनको रोका जाए। बस हाँ सर, बस यही है सर। देयर वाज नो इंटरिम ऑर्डर इन 576 ऑफ 2021 मेलोन। देयर वर 3 पिटीशंस व्हिच वर फाइल्ड बाय हिम मेलोन। 2 वर मेलोन, one was WPC number 48 of 2021, in which interim order was passed in his 48 of 2021 mellow. 3 petition filed. WPC, yes, number. 48 of 21. Yes, mellow. In which interim order was passed on 3rd February 2021 mellow. There were 2 accounts mellow, which were declared NPA. He filed 2 SA before the DRT, my lord. SA number 133 and 134 of 2016. 133 and 134 of 2016, my lord. 2016. Yes, my lord. Both the SAs were dismissed by the DRT. So he filed 2 writ petition to challenge those orders, my lord. Which are those? WPC 48 of 2021 and WPC number 2686 of 21 of 2022 mallor, 2686 of 2022 mallor. Both the writ petitions 2686 of 21 or 22 mallor, 22, yes mallor, and 48 of 2021 mallor, 48 of 21, yes mallor. Both the writ petitions were dismissed on 4-11-2022, my lord, by a common order. 4-11-22. Yes, my lord. On the ground that he has an alternative remedy of preferring an appeal under section 17 before the DRT, my lord. He filed writ appeal, that is writ appeal number 672 and 673 of 2022, my lord. Yes, my lord. Writ appeal? 672 and 673 of 2022, my lord.
दैट वॉज ऑल्सो डिसमिस्ड ऑन 28/4/2023. ये ईयर कौन सा है? 23 जो डिसमिस हुई थी 22 डिसमिस्ड ऑन 28/4/2023 माय लॉर्ड. 28/4/2023 यस माय लॉर्ड. एंड देन देयर आफ्टर ही फाइल्ड अ वन रिव्यू पिटीशन माय लॉर्ड दैट इज 93/2023 अगेंस्ट दिस ऑर्डर. यस ऑर्डर. ओनली वन रिव्यू पिटीशन वाज फाइल्ड माय लॉर्ड. दैट वाज आल्सो डिसमिस्ड ऑन 19/7/2023 माय लॉर्ड. And in this case, my lord, the learned district magistrate allowed the application under section 70. Just a minute. Yes, my lord. So, review petition dismissed on 19/7/23. Yes, my lord. Then? My lord, thereafter, since the order of the collector was passed on 12/4/2017, my lord, almost 6 years have lapsed, and in the meantime the property was also auctioned. The auction purchaser has deposited the entire amount. The sale certificate, in one matter, sale certificate was also issued. However, the possession was not handed over. So the auction purchaser was also making complaints to us, my lord, to the bank, that since for last 5 years the possession has not been handed over. So we approached this honorable court seeking direction to the learned district magistrate and tehsildar for compliance of this order of 12/4/2017, my lord. That was the writ petition number 4825 of 2023, in which my lord has directed the learned collector and tehsildar to comply within a period of 60 days, my lord, because there is a statutory period also prescribed in the act. And in which the present review application has been filed. Well, what is the petition? You are party to the WPAC 576/21. Yeah, I am a party, my lord. What is that he petition? He is saying, my lord, he that in that petition the allegation is against the state authorities, my lord, making an allegation that he has been blacklisted by the collector on the wrong pretext, my lord. In 2015-16, my lord, 14-15. तो वो उसमें वो ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर चैलेंज है, इंक्वायरी चाह रहे हैं वो, तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी चाह रहे हैं, इंक्वायरी कलेक्टर के उसके उसके खिलाफ चाह रहे हैं. बैंक इज अ फॉर्मल पार्टी इन दैट, मैलोड. आई हैव फाइल्ड अ डिटेल रिप्लाई आल्सो, मैलोड. एंड इन दैट देयर इज नो इंटरिम ऑर्डर, मैलोड. I have a order sheet also. Thereafter, एक मिनट मिस्टर तिवारी, वो 576 में वही चैलेंज है, ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर चैलेंज है? नहीं नहीं सर, उसमें नहीं सर. ये मैं पूरा ये है सर कि अरे जो अभी पूछ रहे हैं वो बताइए, 576 में क्या चैलेंज किया आपने? कलेक्टर ने जो गलत आदेश किए हैं सर, क्या कलेक्टर ने क्या गलत आदेश किया है? मेरे को अकारण ब्लैकलिस्टेड किया था, वही सर. तो पूछ रहे हैं. हाँ, ब्लैकलिस्टिंग का ऑर्डर चैलेंज वो हटाया, खुद मंत्रालय ने हटाया कि गलत हुआ है बोल के, इसी कारण मेरा एनपीए हुआ है सर. कारण ठीक है, तो उसमें क्या रिलीफ मांगा है आपने उस पिटीशन में? इसमें मैं मांगा हूँ सर कि मेरा जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है उसको इसके कारण हुआ, इसके ऑर्डर के कारण, तो उससे कंपनसेशन मांगा है. हाँ, कंपनसेशन मांगा है, इनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए बोल के सर, कलेक्टर के खिलाफ. हाँ, कलेक्टर के खिलाफ. तो उसके लिए अलग से मैं पिटीशन किया था सर, उसमें क्या है परमिशन नहीं मिला सर 197 का, और उसके लिए मैंने अलग से 907 का लगाया था सर, उसमें यही फाइल किया था सर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि 156 तीन और 200 के अंतर्गत उन पर ये कीजिए बोल के, मुकदमा कीजिए बोल के. वो अभी 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 वो हुआ सर, उसका भी डिसीजन हुआ है. क्या बता रहे थे? मैलॉर्ड, इन द प्रेयर इन 576 द प्रेयर इज मैलॉर्ड की कॉम्पनसेशन प्लस दे द कलेक्टर एंड स्टेट अथॉरिटीज आर लायबल टू पे द एंटायर लोन अमाउंट. गिव द कॉपी ऑफ दैट पिटीशन, आई विल सप्लाई, बिकॉज ही इज प्रेसिंग 576. यस मैलॉर्ड, आई विल प्लीज सप्लाई द कॉपी. And that the entire order sheets of 576. Yes, sir, please give.
यस ऑर्डर कर देंगे। आदेश करेंगे तिवारी जी सारे पिटीशन याचिका देख करके और सारे दस्तावेज जो इन्होंने भी दिया है और आपने भी दिया है उनको देख करके आदेश करेंगे। सर अब 60 दिन खत्म हो रहा है सर, उसको कम से कम अंतरिम इसको बढ़ा दिया जाए सर। एक दो दिन में मिल जाएगा आदेश आपको, देखते हैं क्या आदेश होगा।